है, क्वांटिटेटिव की बात होती है, तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी में क्या शामिल है? ये एक तारफी लेक्चर है इस बात का कि क्वांटिटेटिव एबिलिटी है क्या। तो अगर तो कोई टेस्ट छोटे लेवल का है, छोटी सी किसी जॉब का है, तो नॉर्मली उसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटी से मुराद होती है अरिथमेटिक्स। और अगर ट्रू सेंस में कहें, जैसे गैट का टेस्ट है जीएटी, गैट का टेस्ट या नेट का टेस्ट एनएटी, नेट का टेस्ट, या इसी तरह से इंटरनेशनल जो है एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस ETS यूएसए की, उसका जो टेस्ट है SAT सेट, उसके अंदर जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी होती है, और आपके गैट सब्जेक्ट में और आपके गैट जनरल में जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी होती है, उसमें चार चीजें शामिल होती हैं। एक, पहली अरिथमेटिक्स, दूसरी अलजेब्रा, तीसरी ज्योमेट्री, चौथी स्पेशल एक्स्ट्रा, जो इन तीनों से हटके है या इनमें से कुछ को मिला के। अब इस क्वांटिटेटिव एबिलिटी से आपका वाकफ होना जरूरी है, आपको पता हो कि इसमें क्या चीजें होती हैं जो एक्चुअली डिस्कस होती हैं और इसके लिए आपने प्रिपेयर करना है। तो याद रखें कि अच्छी तैयारी तो तभी मुमकिन है जब आपको पता हो आपने तैयार क्या करना है। और इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर्स के अंदर इसकी वजाहत करेंगे, हर एक टॉपिक को एक एक लेंगे, उसके बेसिक्स को सीखेंगे, उसके फार्मूलाज को सीखेंगे, उसको शॉर्ट टाइम में सॉल्व करने के मेथड्स को सीखेंगे, उसके इजी और मीडियम और टफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप किसी भी टेस्ट के लिए क्वांटिटेटिव एबिलिटी सीखना चाहते हैं, तो फिर आपको इन टॉपिक्स पे ग्रिप करनी है। तो अब इनकी जरा डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास पहली जो चीज है वो है अरिथमेटिक्स। अरिथमेटिक्स के अंदर सब कैटेगरीज या कह लीजिए जो टॉपिक्स हैं मुख्तलिफ स्टाइल के, उनमें क्या कुछ है। तो सबसे पहली चीज तो इसमें है, कुछ चीजें हैं जिन्हें हम बेसिक्स कहते हैं, बेसिक्स कह लें, बेसिक अरिथमेटिक्स कह लें। उसमें ज्यादातर शामिल होती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स, नंबर्स की प्रॉपर्टीज, नंबर्स से डील करना, जैसे नंबर्स के फैक्टर्स बनाना, नंबर से LCM फाइंड करना, नंबर से GCF फाइंड करना, नंबर से HCF फाइंड करना। तो एक तो ये इसमें बेसिक्स होती है, और बड़ी सादी सादी बेसिक्स चीजें जो आपने पढ़ी होती है किसी लेवल पे, या आप सीखना चाहते हैं, बजाहर वो एक सिंपल सा रूल होता है, लेकिन आपका ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता और आपका एक बड़ा अहम सवाल मिस हो जाता है। देखने में क्वेश्चन ऐसे लगता है जैसे पहाड़ है, लेकिन वो छोटा सा नॉलेज जो बेसिक है अगर आपके माइंड में होगा तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। बेसिक के बाद अगली जो चीज अरिथमेटिक में डिस्कस होती है वो होते हैं फ्रैक्शंस। और फ्रैक्शंस बड़ी एक बुनियादी चीज है जो बहुत ज्यादा चीजों के लिए आपको आसानी आगे मुहैया करती है। फ्रैक्शन के बाद आपके पास आ जाती है परसेंट या परसेंटेज आउट ऑफ 100, उसके बाद आपके पास आ जाती है रेशियो, रेट, और इनसे रिलेटेड प्रोपोर्शन। तो रेशियो, रेट, प्रोपोर्शन, उसके बाद आपके पास मौजूद है एवरेजेस, फिर है प्रोबेबिलिटी, तो इस तरह के टॉपिक्स जो हैं वो अरिथमेटिक्स में डिस्कस होते हैं। ये जो इसके मेजर या मेन मेन टॉपिक्स हैं वो आपके सामने लिखे हैं, बेसिक नॉलेज, फ्रैक्शंस, परसेंट, रेशियो, रेट, प्रोपोर्शन, एवरेजेस और प्रोबेबिलिटी। उसके बाद क्वांटिटेटिव में, और जो ज्यादातर, ये बात याद रखिएगा, जो ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं किसी भी टेस्ट में और खासतौर पर जो छोटे जॉब्स के टेस्ट होते हैं उसमें ज्यादातर इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। उसके बाद
तीसरा जो इसका हिस्सा है वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर आप जानते हैं कि बुनियादी कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो चीजें मालूम नहीं है आप उनके कुछ नाम रख के उनमें जो इंफॉर्मेशन दी होती है एक रिलेशन या इक्वेशन बनाते हैं और फिर उसे सॉल्व करते हैं। तो अलजेब्रा में भी पहली चीज तो जो आपकी होती है वो अलजेब्रा की बेसिक्स है, बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके बाद आपने जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो सीखनी होती हैं कि सादा इक्वेशंस क्या हैं, कैसे बनती हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं वो डिस्कस होनी होती हैं, वो आपकी एबिलिटी को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। और इसके अंदर फिर वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। अब आखिरी सवाल आता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं जिनकी स्टेटमेंट को आपने अलजेब्रा की इक्वेशन की शक्ल में कन्वर्ट करना। अलजेब्रा के बाद अगला टॉपिक ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री के अंदर लाइंस को डिस्कस करते हैं, एंगल्स को, उनकी प्रॉपर्टीज को, फिर एंगल से बनने वाली मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम पॉलीगॉन्स कहते हैं उनको स्टडी किया जाता है, और 2D और 3D ऑब्जेक्ट्स, उनके वॉल्यूम्स, उनके एरियाज, उसको डिस्कस किया जाता है। और फिर स्पेशल एक्स्ट्रा में कुछ चीजें आ जाती हैं, जैसे कुछ टेबल्स को अंडरस्टैंड करके क्वेश्चंस के आंसर देना, टेबल्स के अलावा पाई चार्ट या और मुख्तलिफ तरह के चार्ट्स होते हैं जिनका कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इन टॉपिक से हट के एक अलग से एक आप कह लीजिए, जिनमें से कुछ को हम लॉजिक भी कहते हैं या लॉजिकल मैथ कहते हैं, वो भी उसमें शामिल होता है। तो ये एक स्ट्रक्चर मैंने आपको क्वांटिटेटिव एबिलिटी के टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें जो है वो डिस्कस की जाती हैं। अब इनमें से हर एक के लिए अलग से लेक्चर्स का एक पूरा सिलसिला आपके लिए इस चैनल पर दस्तियाब है। तो अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी आप इन लेक्चर से फायदा हासिल करते रहें और जब भी कोई नई वीडियो जो है वो अपलोड हो किसी टॉपिक पे तो आपको फौरी उसकी इतला हो जाए, तो फिर क्या करें कि इस स्क्रीन के ऊपर आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन जो है वो नजर आएगा। इस फ्रेम के नीचे आप देखेंगे तो वहां पे जहां चैनल का नाम लिखा है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी लिखा है, उसके नीचे सब्सक्राइब का स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है, उसको क्लिक कीजिए। या इस स्क्रीन के कॉर्नर में आप देखेंगे वहां पे चैनल का जो है वो वाटरमार्क या निशान आ रहा है, उसको क्लिक करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, खासतौर पर जहां सब्सक्राइब लिखा है उसको क्लिक करके, उसके साथ एक छोटा सा घंटी का निशान है, बेल शेप है, उसको क्लिक करके नोटिफिकेशन को टिक करके ऑन कर देंगे तो फौरी आपकी ईमेल में नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो जाएगी। तो इस तरह अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली नई वीडियोस के फायदा हासिल करते रहेंगे। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो इसको लाइक भी कर दें, इसके लाइक पे करा दिया कि क्वांटिटी क्लिक कर दें। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई इस लेक्चर के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में कुछ हमसे कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में कहिए, उससे हमें आपसे रब्ता करने में भी आसानी हो जाएगी। और अगर आप चाहें तो अपना ईमेल भी लिख सकते हैं, उस पर भी आपसे रब्ता किया जा सकता है। अब इन टॉपिक्स पर जो लेक्चर्स का सिलसिला है, अगर आप चाहते हैं कि आप मैथमेटिक्स के लेक्चर्स पहले सुने तो इस वक्त स्क्रीन पर इसका लिंक आ रहा है, आप उस पर क्लिक कीजिए तो अरिथमेटिक्स के लेक्चर्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और अगर आपका टारगेट अलजेब्रा है तो इस वक्त स्क्रीन पे अलजेब्रा का लेक्चर्स का जो लिंक है वो आपके सामने आ रहा है, उसे क्लिक करें तो आपके अलजेब्रा के लेक्चर्स सामने आ जाएंगे। और अगर आप पहले ज्योमेट्री को सीखना चाहते हैं तो जो ज्योमेट्री का लिंक आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है उसको क्लिक करें और ज्योमेट्री के लेक्चर्स सुन लें। और अगर आप एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स हैं उनमें से किसी टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो फिर आप अभी जो स्क्रीन पे आपको लिंक नजर आ रहा है उसे क्लिक करें तो आप उन स्पेशल एक्स्ट्रा टॉपिक्स को सीख सकेंगे। और अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपके पास किसी बुक पे है या कहीं पेपर में आपने पढ़ा, एग्जाम दिया, टेस्ट दिया, वहां पढ़ा और वो आप डिस्कस करना चाहते हैं
तो आप इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, एक स्टेटमेंट लिखी होती है, उस स्टेटमेंट में पढ़िए जिसमें पहले थोड़ा सा क्वांटिटेटिव एबिलिटी का तारफ लिखा होगा। क्वांटिटेटिव एबिलिटी के तारफ के नीचे आप देखेंगे हमारे ग्रुप्स के लिंक्स दिए हुए हैं, फेसबुक में जो ग्रुप्स हैं उनके लिंक दिए हुए हैं, फेसबुक के पेज के लिंक दिए हुए हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो वहाँ आप उन ग्रुप्स के मेम्बर बन के उन क्वेश्चन को वहाँ ला के डिस्कस कर सकते हैं। वहाँ आप अपना क्वेश्चन पोस्ट करेंगे तो सीनियर स्टूडेंट्स और हमारे एक्सपर्ट पैनल के टीचर्स आपको उसका सलूशन बताएंगे। तो आप अगर सीखना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जॉब के टेस्ट में या जो भी आप टेस्ट देना चाह रहे हैं, स्कॉलरशिप का टेस्ट है, एजुकेशन का टेस्ट है, एडमिशन का टेस्ट है, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, तो आप सीखिए, मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके टॉपिक्स पे आप बहुत अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं और किसी भी स्कॉलरशिप को और किसी भी जॉब को बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। इस लेक्चर के बाद एक अनाउंसमेंट भी होगा, वो भी आप सुन लीजिएगा। उम्मीद है आपसे मुलाकातों का ये सिलसिला जारी रहेगा और हमारे आप लेक्चर सुनते रहेंगे। आज का लेक्चर सुनने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।